देखिए मेरा नया मंगलसूत्र आ गया है, देख रहे हैं आप लोग। एक्चुअली क्या है ना, दिखाती हूँ, पहले आप लोग देख लीजिए फिर बताती हूँ कि मेरा नया मंगलसूत्र कहाँ से आया। तो ये जो ये लॉकेट था, इसमें था, जैसा कि आप लोग पहले देखे होंगे मुझे कई वीडियो में पहने हुए, तो इसमें था, ये धागा टूट गया था। यहाँ धागा बनता नहीं है, ये मुझे अपने साइड ही बनवाना पड़ेगा। तो ये देखिए धागा टूट गया था, इसके सारे मोती बिखर रहे थे। ये तो मैंने कब का, जब टूट गया तो ये पहनने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। अभी मैं कुछ कुछ सामान ये सेट कर रही थी, दिखाती हूँ, देख सकते हैं सारा फैला हुआ है ना, तो सब सामान सेट कर रही थी तो उसी में मुझे ये माला मिला। एक्चुअली ये मंगलसूत्र में ही डलवाने के लिए मैंने खरीदा था। तो ये माला मुझे जब मिला तो मैंने देखा कि चलो यहाँ पे इसमें मंगलसूत्र का लॉकेट हम देखिए, मुझे लगता है टाइट नहीं हुआ अच्छे से। तो ये मंगलसूत्र हम इसमें ऐसे लॉकेट इसका इसमें डाल दिए हैं, तो बस हो गया मेरा मंगलसूत्र रेडी पहनने के लिए। देखिए आप लोग। मम्मी आप बहुत खुश लग रहे हो। हाँ बेटा, क्योंकि गला खाली था ना, पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, इस कारण से मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए, क्योंकि अभी पता है हम लोग कहीं मार्केट भी नहीं जा पा रहे थे काफ़ी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो जाती है, धूप में निकालती हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है, इस कारण से बस ये देखिए अच्छा लग रहा है। और ये पता है सबसे बड़ी चीज़ की माला बहुत अच्छा है, तो इससे अच्छा लगता है मुझे ये जो है ना, इससे अच्छा मुझे ये लगता है। आप लोग बताइएगा, ये अच्छा लग रहा है ना? तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। गाइज कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सभी को जय गुरु। और अभी बजने वाले हैं 11:30, देख सकते हैं जैसा कि घड़ी आप लोग उधर। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी सामान लाना है। किस चीज़ के लिए लाना है वो आप लोग को आगे पता चलेगा। तो अचानक हम लोग, कोई भी हमारा प्लानिंग अचानक होता है, क्योंकि हम लोग पहले से अगर प्लानिंग करके मेरे इतनी तेज़ धूप है, सच बताऊँ मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं जाऊँ इतनी तेज़ धूप में, क्योंकि आप लोग को जैसा पता है कि धूप में मैं जाती हूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, हो जाता है, लेकिन जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बताऊँगी आप लोग को आने के बाद कि क्या ज़रूरी काम है। तो अचानक हम लोग आज सुबह ही प्लान किए हैं, तो चलिए अभी फिलहाल मैं चलती हूँ और आप लोगों से आकर के मिलती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। मेरे हस्बैंड कहीं चले गए थे तो अभी आए हैं, तो बस अब हम लोग निकलते हैं, फिर आकर के आप लोगों से बातें करेंगे। मैं बस घर आ चुकी हूँ और यहाँ पे सबके लिए खाना निकाल रही हूँ। बस आने के बाद चावल मैंने बनाया था, क्योंकि मैं ना आज सुबह में पनीर बनाई थी। पनीर मेरे यहाँ ना अक्सर बनते रहता है, क्योंकि हम लोग नॉन वेज नहीं खाते ना, तो इस कारण से मैं अक्सर पनीर बनाती रहती हूँ। तो बस पनीर हम तो बस सुबह बना हुआ था, मैंने बोली कि दाल चावल बना दूँगी, लेकिन सबने मना कर दी, बोले कि नहीं हम पनीर चावल ही खा लेंगे, दाल नहीं बनाइएगा।
तो बस यहाँ पे बस खाना निकाल रहे हैं सबके लिए, पनीर और चावल। आइए आप लोग भी खा लीजिए, तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से खाना खाने के बाद। तो खाना पीना हो चुका है कब का, और बस अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 3:30, और 3:30 बज गए। और मैं मार्केट से पूजा का सामान लेने गई थी, तो पूजा का सामान क्योंकि जो एक शॉप यहाँ पे है वहाँ पे सारा सामान मिल जाता है, वो बंद था। मंडे के दिन शाम को सिर्फ खुलता है, हम लोग को पता नहीं था तो वो बंद था। बाकी जो भगवान जी का कपड़ा सिलवाने का था, यानी कि कल हम लोग सुंदर कांड करवा रहे हैं मंदिर में, तो वही जो जो मतलब भगवान जी का कपड़ा सिलवाया जाता है, तो वो सब हम लोग मतलब ऑर्डर दे करके आ गए हैं, सिल कर शाम तक दे देंगे। और पूजा का सामान शाम में आएगा, लेकिन फ्रूट्स और मिठाई जो है वो सब हम लोग ले आए हैं। इतनी धूप में गए भी और पूरा काम भी नहीं हुआ। और काजू कतली कौशिकी और कृपा का फेवरेट है काजू कतली, तो बस यही सब है। और फिलहाल अभी आज बहुत ज़्यादा लेजी लेजी जैसा महसूस हो रहा है, पर काम इतना ज़्यादा है घर का मैं बता नहीं सकती आप लोगों से। बस समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। हमें है पूरा सामान पैक करना है, लेकिन अभी तक इस कारण से नहीं हो रहा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। और बहुत ज़्यादा लेजी लेजी जैसा महसूस कर रही हूँ, लग रहा है कि बस कुछ काम नहीं करो, ना सो बस लेटे रहो, ऐसे फील हो रहा है। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों से क्या करूँ, एंड कर दूँ वीडियो का। हाँ अच्छा, एक चीज़ और, हेयर ऑयलिंग का रिक्वेस्ट आ रहा है कि हस्बैंड मेरे बाल में मतलब हस्बैंड के द्वारा हेयर ऑयलिंग होगा मेरे बालों में, तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन यही हो रहा था कि हम लोग के पास टाइम नहीं था, क्योंकि जब रिक्वेस्ट आया था तो उस टाइम मैं भिलौर में थी, और उसके बाद जब यहाँ आई तो ना इनके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम। सच बताऊँ जब मैं फ्री हूँ तो ये नहीं, तो आज देखती हूँ अगर हो सके तो, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया है, वैसे तो नहीं करवाती, लेकिन फिर चलो कोई बात नहीं है। और वीडियो का रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रहा है, तो इस कारण मैं सोची कि चलो आज करवा लेते हैं। तो आज देखते हैं, तो वो वीडियो अलग से जाएगा, इसमें नहीं आएगा वो वीडियो। तो देखिए आज नहीं होगा रात तक, तो ज़रूर वो वीडियो मैं शूट कर लूँगी। कल नहीं होगा फिर से हेयर वॉश कर लेंगे, और कल है सुंदरकांड शाम में होगा, तो बस वही है। कल हस्बैंड की आज इनका छुट्टी है, तो मैं सोची कि सारा तैयारी आज कर लेते हैं, कल फिर हो जाएगा ड्यूटी रहेगा, तो ये फिर ड्यूटी जाएंगे, उधर भाग दौड़ ज़्यादा हो जाएगा। तो बस यही सब रीज़न है कि आज सब हम लोग तैयारी कर लेंगे, पूजा मंदिर में ही होगा, तो बस घर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो का मैं ही पैन करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।